पाएं हर खबर सबसे पहले सिर्फ लाइव टुडे पर। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। के बाद स्वागत है आपका। सोनभद्र में दो पक्षों में मामूली विवाद हो गया जिसने हिंसक रूप ले लिया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल करमा थाना क्षेत्र के सिरसिया ठाकुरई गांव में एक जमीन पर उपली पाथने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। जो विवाद इतना बढ़ गया कि पुरुष और महिलाएं लाठी लेकर एक दूसरे पर टूट पड़े, जिसमें दोनों तरफ दो दर्जन लोग घायल हुए हैं। वह सूचना पर पहुंची पुलिस ने झगड़ा खत्म कराया और घायलों को उपचार के लिए अस्पताल ले गई। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि 30 अक्टूबर को दो पक्षों में उपली पाथने के स्थान को लेकर विवाद हुआ था, जिसमें अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। कर्मा पर यह सूचना प्राप्त हुई कि सिरसिया ठकुरई में एक जमीन के विवाद में उपला था, जो उपले होते हैं उसको थापने को लेकर के दो पक्षों के बीच में विवाद हो गया, जिसमें लाठी डंडे भी चले। मौके पर जैसे ही सूचना प्राप्त हुई, मौके पर पुलिस ने पहुंच करके जो दोनों पक्षों को थाने पर लाया गया और उनकी चोटों के आधार पर दोनों पक्षों की तरफ से अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। इसमें 5 लोगों को आज गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है और अन्य जो अभियुक्त हैं उनकी भी तलाश की जा रही है। इनमें जो भी दोनों पक्ष हैं, दोनों के खिलाफ 116 की कार्रवाई की जा रही है और आगे इनको 117 से बाउंड डाउन किया जाएगा ताकि भविष्य में प्रकार की घटना ना होने पाए।